डिस्कशन के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है क्लोराइड बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट के डिफरेंसेस पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, देख लें आप कहते हैं तो मैं रिपीट करते हो की मैंने लगा दिया आप लोगों के सामने जो है। कहते हैं बेंजोडाइजेपिन जो कलर है उनके ओपन होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जबकि बारबिट्यूरेट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ क्लोराइड चैनल को बढ़ाते हैं। बेंजोडाइजेपिन जो है अल्फा गामा यूनिट के साथ अटैच होते हैं, जबकि बारबिट्यूरेट जो है वो अल्फा और बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। कहते हैं बेंजोडाइजेपिन हैव नो अदर मैकेनिज्म वेयर एज बारबिट्यूरेट मे एक्ट बाय डिप्रेसिंग ग्लूटामेट और अदर सिनेप्टिक मैकेनिज्म। बेंजोडाइजेपिन हैव लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बट बारबिट्यूरेट हैव लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजोडाइजेपिन फ्लैटर डोजेज रिस्पॉन्स कर्व पर बारबिट्यूरेट हैव स्लीप डीआरसी। बेंजोडाइजेपिन कैन एंटागोनाइज्ड और रिवर्स बाय फ्लोमेक्सिनल बट बारबिट्यूरेट हैव नो एंटीडोट। दूसरा क्वेश्चन है एनुमरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक अलोंग विद द टाइप ऑफ रिसेप्टर इन्वॉल्वड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ अकोमोडेशन है, आपके एनएस वाली बात है, ड्राई माउथ है, यूरिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉलिनर्जिक मस्कुलिन कॉलिनर्जिक ब्लॉकेट लिखा, आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है, इम्पोटेंस है, एजैकुलेट अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर पार्किंसन सिंड्रोम, एक्थेसिया, डिस्टोनियाज है, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज, टार्डिविटी काइनेसिया है, सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिन रिसेप्टर है, टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए तो अमनोरिया, गैलेक्टोरिया, इन्फर्टिलिटी, इम्पोटेंस, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज टू लीडिंग टू हाइपर प्रोलैक्टिनिया। अदर के अंदर वेट गेन के अंदर हमारे पास सेरोटोनिन है, वेट गेन सेरोटोनिन एच फॉर रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से। इन्यूमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया वेयर व्हाट इज द रिलेशनशिप विद इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सॉल्युबिलिटी के ब्रैकेट में लिखा हुआ इनवर्स है, द मोर रैपिडली ड्रग इक्विलिब्रेट विद द ब्लड द मोर क्विकली द ड्रग पासिस इनटू द ब्रेन एंड प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट। ड्रग विद लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इक्विलिब्रेट मोर रैपिडली देन दोज विद हायर ब्लड सॉल्युबिलिटी। इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट रिलेशनशिप वेंटिलेशन रेट the ventilation rate the more rapidly the rise in the alveolar or blood partial pressure of the agents and the onset of anesthesia. Permeable blood flow inverse relation at higher permeable blood flow the gas partial pressure rises at slow rate then the speed of onset of anesthesia is reduced. At low flow rates, onset is faster. Inverse की बात हो रही है सारी अब। Arteriovenous concentration gradient की direct relationship है। Because the achievement of equilibrium is depend on the difference in tension between the arterial and venous blood. Achievement of equilibrium depend on the difference between the anesthetic tension of arterial and venous blood.
फेनिटोइन के जो एडवर्स इफेक्ट की बात की गई है, मैकरन ने पूछा गया कितने मुख्तलिफ आयन चैनल जो उन पे इफेक्ट करते हैं, जिसके सोडियम कैल्शियम पोटाशियम एडवर्स इफेक्ट के अंदर कोर्स फेशियल फीचर्स है, माइल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, लॉन्ग टर्म यूज के अंदर विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, लो फ्लेट की एनीमिया हो सकता है। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एनीमिया से रिलेटेड है, कौन सी कंडीशन जिनके अंदर एनीमिया होता है, कौन सी ड्रग दी जाती है और ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से हैं। इसके अंदर एनीमिया और हीमोपोटिक ग्रोथ फैक्टर जो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अब एनीमिया की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एनीमिया फ्रॉम डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स और कैन अब्नॉर्मली लो टोटल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। एनीमिया की डेफिनेशन में इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, एनीमिया इज डिफाइंड एज अ बिलो नॉर्मल प्लाज्मा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स और अबनॉर्मली लो टोटल हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट पर यूनिट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जनरल साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं पेशेंट के एनीमिया के अंदर? फटीग हो सकती है, पेशेंट को थकावट हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में मसला हो सकता है, पेल स्किन पीले आपकी जो जर्द स्किन हो सकती है, डिजीनेस चक्कर आ सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। एनीमिया कैन बी कॉज बाय द क्रॉनिक ब्लड लॉस, बोन मैरो अबनॉर्मैलिटीज, इंक्रीज हेमोलाइसिस, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, एंडोक्राइन डेफिशिएंसीज, रीनल फेलियर। जो हीमोपेटिक ग्रोथ फैक्टर है उसमें ज्यादातर हम रीनल फेलियर से रिलेटेड बात करेंगे, कैंसर की बात भी, रीनल फेलियर एंड अदर नंबर ऑफ स्टेट डिजीज। अगर आपसे कोई पूछता है कि एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं तो क्या क्या बताएंगे? पेशेंट को थकावट हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, सांस लेने में मसला होता है, जिस्म का रंग जो है वो पेल हो सकता है, डिजनेस हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। एनीमिया बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, बोन मैरो अबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, इंक्रीज हीमोलाइसिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, मैलिग्नेंसीज हो सकती है। बेटा एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन बातें हैं, कोई पेशेंट आ जाए कोई फैमिली में एनीमिया का पूछ लेता तो आपको बेसिक तो पता हो, बात है कि एचबी के लेवल डाउन होंगे, काउंट कम होगा, एनीमिया है। बेटा पेल आईज नहीं होती, पेल आईज जो जॉन्डस के अंदर होते हैं। और क्या हो सकता है? रैपिड हार्ट रेट हो गया, और उसकी नींद को क्या होगा? इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी पेशेंट को जो है।
नंबर ऑफ डिजीजेज जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है, क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, बोन मैरो अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, इंक्रीज हीमोलाइसिस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, मैलेग्नेंसी की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है। कौन कौन सी डिजीज आपने कौन कौन सी डिजीजे जिनके अंदर एनीमिया हो सकता है? बेटा रीनल फेलियर को नहीं भूलना, यहाँ पे ज्यादातर बात रीनल फेलियर मैलेग्नेंसी से रिलेटेड की जाएगी। स्टार्ट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कौन कौन सी डिजीजे जिनके अंदर एनीमिया पेशेंट को हो सकता है? आपको साइन एंड सिम्टम्स का थोड़ा सा आइडिया होगा, बट डिजीजेज के नाम बोले कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके अंदर पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। मैं यहाँ पे बोलता जाऊँगा आपको आए कुछ ना, उसका कोई फायदा नहीं। हम चंद स्लाइडें पढ़ लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जो है ठीक है, ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट को। और रीजनल फेलियर पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है पेशेंट को। ओके, बोन मैरो डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। और मैलिग्नेंसी को कैंसर वगैरह की वजह से पेशेंट को हो सकता है। और चल थोड़ा बहुत तो गो थ्रू हुआ आप लोग। लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स काज टॉक्सिक फैक्टर इन द ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और एरिथ्रोपोइटन ऑर्गन्स व्हिच इन टर्न मे काज एनीमिया। बहुत सारी ड्रग्स भी एनीमिया काज कर सकती हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया आर काज बाय द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12। साइनोकोबालामिन की वजह से हो सकता है। दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस। Individual with anemia has genetic basis such as sickle cell disease can benefit from pharmacological treatment with action beyond nutrition supplement such as hydroxyurea. Anemia can cause at least temporarily corrected by the transfusion of whole blood. Anemia temporarily कहते हैं whole blood के transfusion से इसको कम। अगर हम यहाँ पे सिकल सेल वगैरह की इतनी बात नहीं की जाएगी, न्यूट्रिशन एनीमिया की ज़्यादा बात की जाएगी, तो न्यूट्रिशन एनीमिया में किन किन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है? आयरन की वजह से हो सकता है, फॉलिक एसिड की वजह से हो सकता है, विटामिन बी12 की वजह से हो सकता है। एनीमिया को जो है टेम्परेली किस चीज़ से ट्रीट किया जा सकता है? टेम्परेली किस चीज़ से इमीडिएटली करेक्ट किया जा सकता है? होल ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से जो है। बेटा आर्थराइटिस की वजह से नहीं होता, जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है उसके क्या क्या काजेज हो सकते हैं? तीन चीजें हो सकती हैं, वन बाय वन बोले। पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और
टेम्परेरीली किसी से एनीमिया को जो है ट्रीट किया जा सकता है, अगर आप इमीडिएटली या टेम्परेरी तौर पे एनीमिया को ट्रीट कर सकते हो तो क्या चीज पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेटा, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आयरन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है? इंटेस्टाइनल मैकुजा के अंदर स्टोर हो सकता है, लीवर के अंदर हो सकता है, स्प्लीन के अंदर हो सकता है, बोन मैरो के अंदर एज ए फैटिन के तौर पे हो सकता है। अल्टर नीडेड बाय द बॉडी आयरन इज डिलीवर टू द मैरो फॉर द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नेम्ड एज ट्रांसफेरिन। कहता आयरन आपकी बॉडी में लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में स्टोर हो सकता है, इसको डिलीवर किया जाता है मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ट्रांसफेरिन कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, फ्रॉम इनसफिशिएंट इनटेक ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। बच्चे जब ग्रोथ बढ़ रहे हैं अगर उनके अंदर जरूरत से कम आयरन जा रहा हो डाइट के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी हैवी मेंस्ट्रुएटिंग और द प्रेग्नेंट वुमेन और फीमेल जिनको बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं ये प्रेगनेंसी, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम नेगेटिव आयरन बैलेंस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ द आयरन स्टोर्स और इन एडिक्वेट क्लोमिनेटिंग इन द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, स्मॉल सेल आरबीसीज होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी नहीं है को क्या कहते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? इसके अंदर स्मॉल सेल्स आरबीसीज होते हैं, उनके अंदर कम एचबी हीमोग्लोबिन होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का दूसरा नाम क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? हाइपोक्रोमिक क्रॉनिक नहीं बेटा, सेंटेंस देखो, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, हाइपो का मतलब कम है, उसके अंदर क्या नाम थे, एच बी कम है, माइक्रो मीन स्मॉल, ड्यू टू लो आयरन एंड स्मॉलर साइज रेड ब्लड सेल्स, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया इसको कहते हैं। दो तीन ये कुछ चीजें टेक्निकल हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चे हमारे पास जो क्लिनिक प्रैक्टिस के अंदर या फैमिलीज के अंदर आते हैं उनके पेरेंट्स आके क्या कंप्लेन करते हैं? बच्चे जो भी आयरन डेफिशिएंसी के आते हैं मेक आज पाइका, इसके अंदर होता है क्या? पाइका के अंदर
वो उल्टी सीधी चीजें पेशेंट खाते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों की आपको पता है, बच्चे मट्टी खाते हैं, पेपर खाते हैं, दीवारों से उतार के पेंट खा लेते हैं, पेपर्स खाते हैं, जो यंग लोग एज है, आइस खाने की, बर्फ खाते हैं, क्रेविंग होती है मट्टी खाने की, बर्फ खाने की। उसके अलावा कॉलिनिकियाज हो सकते हैं पेशेंट को, आवर्ड कर्वेचर ऑफ फंगर एंड टो, आपके जो है कहते हैं स्पून शेप हो जाते हैं, आपके जो नाखून जो आपके स्पून शेप हो जाते हैं, बिल्कुल थिन और स्पून लाइक होते हैं, जैसे उनके ऊपर क्रैक्स पड़े हुए हैं, सोरनेस एंड क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, मुंह की जो साइडें हैं उन पे क्रैक्स और वाइट कलर के वो निशान से पड़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को और क्या हो सकती है, पेशेंट को की आइस खाने की, बर्फ खाने की, पेपर खाने की क्रेविंग हो सकती है, मुंह और जो आपके क्या नाम लेते हैं मुंह के जो कॉर्नर है, लिप्स के दरमियान जो स्पेस है, उन पे सोरनेस हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है। अब बेटा वन बाय वन हम ड्रग्स को देखेंगे, काफी लंबा टॉपिक है। आयरन, आयरन जो फेरस सल्फेट की फॉर्म में दिया जाता है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ हीम एंड हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, फैक्ट्स एडिक्वेट सप्लाईज आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल हीम सिंथेसिस, डेफिशिएंसी रिजल्ट इन एन इनएडिक्वेट हीम प्रोडक्शन। पीछे वो कह रहे थे आयरन डेफिशिएंसी व्हिच मैनिफेस्टेड एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ओरल प्रिपरेशन इधर जो है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन। कहते हैं इसकी जो अब्सॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट एक कॉम्प्लिकेटेड सारी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड एंडोजीनियस सिस्टम ऑफ अब्सॉर्बिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। आयरन की टॉक्सिसिटी पूछी जा सकती क्या होती है, भी पेशेंट को आयरन दिया जाता है तो ज्यादातर पेशेंट जीएटी में प्रॉब्लम होती है, पाजमन का ट्यूट ओवरडोज रिजल्टिंग इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट खराब हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, शॉक लेथार्जिक एंड डिस्निया हो सकता है, क्रॉनिक आयरन रिजल्ट इन द हीमोक्रोमाटोसिस। अगर पेशेंट को आप आयरन यूज करवा रहे हैं, फेरस सल्फेट यूज करवा रहे हैं, तो पेशेंट को क्या क्या टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी बेटा क्या क्या हो सकती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जीआई जीआईटी से रिलेटेड कौन से रिलेटेड
आयरन की प्रिपरेशन क्या क्या, किस किस फॉर्म के अंदर आयरन अवेलेबल है, ओरल प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिर पारेंटल की बात करते हैं। ओरल प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस बिसग्लाइसिनेट है। फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस बिसग्लाइसिनेट है। पारेंटल प्रिपरेशन ओरल की पहले याद कर लें, ओरल के अंदर कौन से जो हम खा सकते हैं। ओरल के अंदर हमारे पास फेरस, फेरस के वर्ड यूज हो रहे चारों के अंदर, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट। बेटा ओरल आयरन प्रिपरेशन किस किस फॉर्म में आती है, डक के नाम बोले, फेरस का वर्ड है, चार ड्रग्स लिखी हुई है यहाँ पे, जी एक और ड्रग भी है फेरस बिसग्लाइसिनेट, बेटा ये नाम पूछते हैं बाकी आपको याद होते नहीं तो मुझे पता है, नाम तो याद कर लें, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस बिसग्लाइसिनेट है। जी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ओरल फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, इसके अंदर आपको बताता जो फेरस बिसग्लाइसिनेट एक ऐसी ड्रग है जो जीआईटी को डिस्टर्ब नहीं करती। फेरस बहुत सारे लोग आयरन को टॉलरेट नहीं कर पाते जब ओरल फॉर्म में दी जाती है, तो बिसग्लाइसिनेट एक ऐसी ड्रग है जो जीआईटी टॉक्सिसिटी काज नहीं करती, इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी 90% से ज्यादा है। अब पारेंटल प्रिपरेशन की बात करते हैं, पार परे मुंह से परे इंजेक्टेबल फॉर्म में जो दी जाती है, इनके अंदर ये जो है ज्यादातर जो एम्प्यूल्स इनके आते हैं इनको नॉर्मल स्लाइन के अंदर 100 ml के अंदर डायलूट करके पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, इनको इंजेक्ट किया जाता है, इससे इमीडिएटली आयरन के लेवल जो है विद इन फ्यू वीक्स ऊपर चले जाते हैं। पारेंटल प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन सी है, आयरन डेक्सटन है, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स है, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कम्प्लेक्स है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, आयरन डेक्सटन है, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स है। आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स ये विनोफर के नाम से बहुत मशहूर है, मार्केट में चलते हैं, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स विनोफर के नाम से मार्केट में आती है, आयरन डेक्सटन, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कम्प्लेक्स, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है। आयरन का वर्ड सबके साथ लग रहा है, आयरन डेक्सटन, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स एंड फेरिक सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कम्प्लेक्स एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है। ओरल होगी और पारेंटल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है बेटा, उनके साथ आयरन का वर्ड है, ओके आयरन डेक्सटन, और कौन सा, ओके आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स, और ये कार्बोक्सी माल्टोज का भी लिखा हुआ बेटा, ये फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, आयरन डेक्सटन, आयरन सुक्रोज कम्प्लेक्स, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कम्प्लेक्स, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कम्प्लेक्स, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज कम्प्लेक्स, ओके।
मैं दोबारा हम चीज़ों को रिपीट करते हैं बेटा, ये एमबीबीएस के जो हमारे बच्चे आते हैं उनको उनके नाम भी एंड पे आ रहे होते हैं। आप बताएं ओरल फॉर्म में कौन कौन सी आयरन की प्रिपरेशन है और इंजेक्टेबल या पारेंटल के फॉर्म में कौन सी, दोबारा एक बार रिपीट करें ताकि पता चला आपको क्या पता चला। आयरन की प्रिपरेशन ओरल फॉर्म के अंदर कौन सी और इंजेक्टेबल या पारेंटल एक ही, और ये तो ओरल होगी बेटा लिखते जाएं, एक सीक्वेंस में ओरल वाली लिखें दूसरे के अंदर जो है क्या नाम लेते हैं वो इंजेक्टेबल लिखें, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा बाद में किसी को क्या याद होना, कल किसने देखी है, घंटे का लेक्चर है जी, एक्सीलेंट। और जो पारेंटल प्रिपरेशन है उनके एडवर्स इफेक्ट के अंदर पेन हो सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। पारेंटल जो है ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर उनके एडवर्स इफेक्ट में क्या हो सकता है, पेन हो सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। पारेंटल के एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं, ओरल के तो हमने बात करी ना, जीएटी से रिलेटेड ज्यादातर बात है, तो पारेंटल के टिपिकल एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं और पेन होती है बेटा। एक दूसरी जो बात वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पारेंटल के जो एडवर्स इफेक्ट है उसके अंदर पेन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। पारेंटल के जो एडवर्स इफेक्ट है उसके अंदर पेन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। पार एंट्री के जो रिवर्स इफेक्ट है उसके अंदर पेन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ओरल के एडवर्स इफेक्ट जो हमने देखे थे बोले जीआईटी से रिलेटेड क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ओरल के यूज के अंदर जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नाम बोले पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। ओके, एब्डोमिनल पेन हो सकती पेशेंट को और गैस्ट ब्लडी डायरिया हो सकता और एक्सीलेंट शॉक हो सकता। ठीक है बेटा चले, कुछ ना कुछ आपने पिक किया, एक्सीलेंट आगे चलते हैं। मैंने कोशिश की है आपके जितने बेटा स्लाइड हैं बिल्कुल शॉर्ट बनाई जाए, एटलीस्ट बीडीएस के अंदर आपको ड्रग के नाम बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, नाम आते होंगे कुछ ना कुछ लिख लेंगे पेपर में, एमसीक्यूज अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। आयरन चिलेटेड वो ड्रग है जो बॉडी के अंदर आयरन के ओवरलोड को कम करती है। कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आयरन जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर थैलेसीमिया एक एग्जांपल है। थैलेसीमिया के अंदर आरबीसी इतनी ज्यादा मिकदार में ब्रेक डाउन होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सीरम फेरेटिन के लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो उसी लेवल को बॉडी के अंदर आयरन के ओवरलोड को कम करने के लिए
हीमोक्रोमाटोसिस का मतलब होता है बेटा आयरन ओवरलोड। हीमोक्रोमाटोसिस का मतलब होता है आयरन का ओवरलोड जो है, अगर किसी डिजीज की वजह से बॉडी के अंदर आयरन का लोड बढ़ रहा है, आपने सीरम फेरिटिन के लेवल करवाए, पेशेंट को अंडरलाइंग थैलेसीमिया या कोई और डिजीज है और फेरिटिन के लेवल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अब उन फेरिटिन के लेवल या आयरन के लेवल को डाउन करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उन्हें आयरन चिलेटर्स कहते हैं। आयरन चिलेटर के अंदर सबसे कॉमन ड्रग जो डॉक्सामीन है। आयरन चिलेटर के अंदर कौन सी ड्रग यूज होती है? आयरन चिलेटर डिफ्रॉक्सामीन। आयरन चिलेटर कौन सी है? डिफ्रॉक्सामीन। आयरन का नाम बोले, आयरन चिलेटेड ड्रग्स का नाम बोले जो आयरन के ओवरलोड को बॉडी के अंदर कम करती है। अगर किसी डिजीज की वजह से आयरन का ओवरलोड हो गया या किसी आयरन चिलेटेड बेटा ड्रग का नाम क्या है? बारे बारे लिखे सारे, बाकी सो रहे हैं, नाम ही एक याद कर ले। आयरन चिलेटेड ड्रग का नाम क्या है? आयरन चिलेटेड ड्रग का नाम क्या है? डिफ्रॉक्सामीन। डिफ्रॉक्सामीन हीमोक्रोमाटोसिस का क्या मतलब बेटा? बार बार यहाँ पे टर्म यूज हो रही है, हीमोक्रोमाटोसिस का क्या मतलब है? हीमोक्रोमाटोसिस का क्या मतलब है? हीमोक्रोमाटोसिस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोक्रोमाटोसिस? हीमोक्रोमाटोसिस का क्या मतलब है? आयरन ओवरलोड। अच्छा मैकेनिज्म एक्शन क्या? आयरन चिलेट्स डिफ्रॉक्सामीन चिलेट्स आयरन एक्सेस, आयरन की जो एक्सेस उसको कम कर देंगे। रिड्यूस टॉक्सिसिटीज एसोसिएटेड विद एक्यूट और क्रॉनिक आयरन ओवरलोड। क्लिनिकल एप्लीकेशन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इनहेरिटेड और रिक्वायर्ड हीमोक्रोमाटोसिस। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग अगर हो गया तो उसमें दे सकते हैं। इनहेरिटेड अगर कोई डिजीज है जिसमें हीमोक्रोमाटोसिस हो रही है या एक्वायर्ड हो रही है तो उसके अंदर दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्या इंड इसकी टॉक्सिसिटी डिफ्रॉक्सामीन की क्या हो सकती है? जब आईवी में एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूरोटॉक्सिस हाइपरटेंशन होते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है और सर्टन इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिस डिफ्रॉक्सामीन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपरटेंशन हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है और सर्टन इन्फेक्शन हो सकती है। जमीन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? डी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है, पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है
और सर्टेन इन्फेक्शन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर यूज किया जाए, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटीज और सर्टेन इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी और सर्टेन इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी और सर्टेन इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी और सर्टेन इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है और पेशेंट को सर्टेन इन्फेक्ट दिया। अच्छा बेटा ये तुम्हें तो पैसे जो टाइम हेल्प कर लीजिए ताकि इंजेक्टेबल वाले चक्कर से बाहर आ जाए, इसके बाद पेशेंट उसको ओरल दे 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 जो है डी फेरिपिरॉन, डी फेरिपीडी है, डी फ्रॉक्सामीन के साथ ये इनके साथ भी डी फेरिसिरॉक्स, डी फेरिपिरॉन, डी फेरिपिरॉन। ओरल आयरन चिलेटर्स कौन कौन से हैं? हमने पहले इंजेक्टेबल की बात की, अब ओरल की करते हैं। ओरल चिलेटर्स कौन कौन से हैं? डी फेरिसिरॉक्स, डी फेरिपिरॉन, डी फेरिसिरॉक्स, डी फेरिसिरॉक्स, डी फेरिपिरॉन, कौन कौन से ओरल आयरन चिलेटर्स कौन कौन से हैं? डी फेरिसिरॉक्स एंड डी फेरिपिरॉन, डी फेरिसिरॉक्स, orally administered iron chelators for the treatment of hemochromatosis, बेटा यहाँ पे इंटरनेट का मसला है, बीच में सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं, ये तो कॉलेज को चाहिए कि हमें बेहतर इंटरनेट लगाएं, सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से आपको वरना मैं तो बार बार कंटिन्यूसली चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, अब एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट की बात करते हैं, फार्मूला डैम, एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट की बात करते हैं, हम एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग बात करते हैं, एजेंट जो है बॉडी अंदर एरिथ्रोपोस्टिमुलेट
आ रही है आप लोगों को? कैन यू लिसन मी नाउ? बेटा बोले आवाज आ रही ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं, बीच में हर एक मिनट के बाद वो डिस्कनेक्ट हो रहा। एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट जो है, याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एरिथ्रो पैटर्न बॉडी के अंदर एरिथ्रोपाइसिस आरबीसी बनने के अमल को स्टिमुलेट करता है। रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, वो मरीज जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनमें आयरन इस लेवल पे आरबीसी सेल नहीं बन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ईपॉटन अल्फा मिथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइक अब आवाज आ रही है आपको?
आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना टाइम। बेटा नेटवर्क में मसला आ रहा, आवाज इसलिए जा नहीं रही। अब आ रही है आवाज बेटे, को नेटवर्क में मसला है थोड़ी देर। एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट्स के अंदर बस उनके अंदर आरबीसी नहीं बनते, उसके अलावा मुख्य बोन मैरो प्रॉब्लम में भी यूज करवाते हैं। तो कवर नहीं हो सकती, बार बार नेट डिस्कनेक्ट होता रहा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में मेरा आपके साथ और लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपके पीछे वाले जो है सारे वो करवा देंगे चीजें जो है। बस ठीक है, बंद कर दो, नेक्स्ट वीक में मैं करवा दूंगा।
अगले वीक में है मेरे लेक्चर, उसमें करवा दूँ।